अडींग में समुचित ढंग से नहीं हो रहा पोषाहार का वितरण, ग्रामीणों में आक्रोश। मथुरा अडींग आंगनबाड़ी केंद्रों से इतनी योजनाएं संचालित होती हैं कि अगर सही से क्रियान्वयन हो जाए तो ना तो कोई बच्चा कुपोषित हो और ना ही गर्भवती महिला को गर्भधारण और उसके बाद किसी तरह की बीमारी। इसके साथ ही किशोरियों को शरीर में हो रहे बदलाव आदि की भी ठीक से जानकारी मिल जाए और वो किसी भ्रांति का शिकार ना हो। ज़्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र नाम करने के लिए खोले जाते हैं, जिसके चलते आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए संचालित योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में बुरा हाल है। केंद्रों से समुचित ढंग से ना तो पोषाहार का वितरण हो रहा है और ना ही टीकाकरण आदि का लाभ ही महिलाओं और बच्चों को मिल पा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र से किस तरह की मदद मिलती है और कितना गाँव की महिलाएँ फ़ायदा उठा रही हैं, इसे जानने की कोशिश हमारी टीम ने की। इसके तहत गोवर्धन विकास खंड के गांव अडींग सहित अन्य गाँव के आंगनबाड़ी केंद्रों का जायज़ा लिया गया, तो वहीं गांव अडींग के लोगों ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र से संचालित योजनाओं के बारे में उन्हें ज़्यादा पता नहीं है। पूजा सैनी, अच्छा आप यहाँ से कद्दू लेके आई हैं, क्या कोई मामला है? ये मामला ये है सर कि ये माल पूरा नहीं देते हैं, वो छिपके हुए मोमबत्ती के पैकेट होते हैं दाल के आधा किलो के, जबकि बच्चों के लिए एक किलो दाल आ रही है और एक दूध का पैकेट दिया था और वो दिए थे गेहूँ एक किलो और चावल आधा किलो। अब आपने यहाँ शिकायत लेके आई, मैम ने क्या बोला? मैम ने बोला है कि एप्लीकेशन लिख के दीजिए। अब एप्लीकेशन लिख के देंगे उसके बाद मालूम चलता है देती हैं कि नहीं है, और उन्होंने बोला है कि वो दबंग आदमी कुछ भी कर सकते हैं। और पहले हमने सर ऑब्जेक्शन उठाया था, तब वो घर पे गए थे, कह रहे थे हमारी दुकान है सौकड्डे पे दिलवारिया मिष्ठान भंडार, वो कह रहे थे तेरे को सैंपल भरवा दूंगा, तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धमकी भी देते हैं। फिर शिकायत करने के बाद सर ये बताइए, जब ऊपर से माल आ रहा है वो रेनू मैम के वो ससुर गए थे, पिताजी कौन है आंगनबाड़ी वाली है हमारे यहाँ की, उनके हस्बैंड धमकी देते हैं, उनके वो देते हैं ससुर। हाँ पहले हमने ऑब्जेक्शन उठाया था जब उन्होंने दी थी, अब उसके बाद ऐसे ही मिलता है 6 महीने में 7 महीने में एक बार देती है। पहले मिलता ही नहीं, जब से शुरू हुआ है, जब हमने वो शिकायत की थी तब से मिलने लगा है हमको। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।